हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटियंस में। मैं खुद एक एनआईटियन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे मंडी निरीक्षक से रिलेटेड लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे ACF एग्जामिनेशन से रिलेटेड भी वीडियो सीरीज लगातार चल रही है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कृष्णा नदी और कावेरी नदी है। दक्षिण भारत की एक और नदी बच गई है जिसका नाम है गोदावरी, जो कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊँगा। जब मैं छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती रिवर के बारे में बताऊँगा तो उसी में मैं आपको गोदावरी प्रवाह तंत्र भी कम्प्लीट करा दूँगा। ठीक है, तो हम लोग आज दो नदियाँ पढ़ते हैं और इसके साथ मैं आपको डैम्स और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कावेरी जल विवाद, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछ सकता है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं। आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर टैप करके मुझे मैसेज कीजिएगा अपने नाम और लोकेशन के साथ, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। व्हाट्सएप ग्रुप लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग है, ठीक है, और उसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक और वीडियोस भी मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं। आप ग्रुप से ऐड होइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करवाइए भी, ताकि कम्युनिटी ज़्यादा बड़ी बन सके और हम सभी को फ़ायदा हो सके। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। आप लिंक में टैप करके मुझे डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी टाइम वेस्ट के, जो कि आपका सबसे पहले हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी प्रवाह तंत्र, और ये काफ़ी छोटा है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं इसमें। कृष्णा नदी जो है वो आपके बहुत ही फेमस पीक है, नाम है उसका महाबलेश्वर, आपको पता होगा। ये आपके सह्याद्री में आती है और ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका और फिर आंध्र प्रदेश से होते हुए आपका बे ऑफ बंगाल या फिर आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इसकी दो सहायक नदियाँ हैं ऊपर से, जिसका नाम है भीमा और कोयना। ठीक है, और इस पर दो डैम बने हुए हैं, भीमा डैम और कोयना डैम, दोनों रिस्पेक्टिव नदियों में। ठीक है, और भीमा और कोयना डैम की वजह से ही लातूर का भूकंप आया था, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, और ये क्वेश्चन पूछ चुका था तक एग्ज़ाम में। देखिए, नदियों में डैम बनाना एक अच्छी चीज़ है कि आप वाटर को स्टोर करके उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन दूसरे कामों के लिए करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना या फिर आप इरीगेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा मछली पालन वगैरह भी करते हैं, लेकिन इसका एक मेन ड्रॉबैक ये है कि इससे आपका जो अर्थ का क्रस्ट है उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जो कि इन फ्यूचर भूकंप आने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ही मेजर ड्रॉबैक है अगर आप इस बांध को ज़्यादा स्तर पर बनाते हैं। ठीक है, बांध बनाने से दूसरे क्षेत्र सूखाग्रस्त या फिर जो कैचमेंट एरिया है वो भी डूब के क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बांध ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। अब वो कैसे बढ़ाता है ये पढ़ने के लिए हम लोग को पर्यावरण पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली आपके नीचे जितने भी लाइकेन वगैरह जनरेट होती है वो मीथेन ग्रेस प्रोड्यूस करती है, जो कि आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बरान का ये ड्रॉबैक है, तो ये याद रखना कि यहाँ पर जो डैम बने थे उनसे लातूर का भूकंप आया था। लातूर महाराष्ट्र में एक एरिया पड़ता है जो कि बहुत ज़्यादा इरिड एरिया या फिर जहाँ पर क्या कहना चाहिए सूखाग्रस्त एरिया, तो उसकी वजह से इन दोनों डैम की वजह से लातूर का भूकंप आया था, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपका नीचे से एक रिवर आती है जिसका नाम है तुंगभद्रा रिवर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखना तुंगभद्रा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। तुंगभद्रा के तट पर ही है आपका हम्पी शहर। ठीक है, हम्पी शहर विजयनगर डायनेस्टी की कैपिटल थी। ठीक है, आपको पता होगा कि विजयनगर डायनेस्टी और बहमनी डायनेस्टी के बीच से 1565 में एक बहुत ही फेमस वॉर हुआ था जिसका नाम है तालीकोटा वार। इसको बन्नरहट्टी या फिर राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, और इस वॉर में जो था आपका विजयनगर डायनेस्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित हो गए थे। जो सदाशिव राय था वो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, और कृष्णदेव राय के बाद इतने बड़े एम्पायर का अचानक से कोलैप्स हो जाना,
इसी युद्ध की वजह से था। मेन का युद्ध का कॉज ये था कि जितने भी बहमनी डायनेस्टी के जो भी पांच जो लोकल डायनेस्टी थी बहमनी डायनेस्टी के अंदर आती थी वो सारे एक हो गए थे, लेकिन हाँ उसमें केवल बरार डायनेस्टी जो थी वो शामिल नहीं थी। हम लोग कोड पढ़ते हैं बरार फरार हो गया, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली वही हुआ था। तो याद रखिएगा ये हम्पी जो शहर है, ठीक है, अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको निकाला है और इसमें बहुत सारे और भी पुरातत्व अवशेष मिल रहे हैं, यहाँ पर जाके देख भी सकते हो और बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो ये याद रखिएगा तुंगभद्रा रिवर के तट पर ही आपका हम्पी शहर है और यहीं पे वो रायचूर दुआब है जिसके लिए लड़ाई हुई थी। दुआब मतलब दो नदियों के बीच का एरिया, ठीक है, तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के ही बीच के एरिया को रायचूर दुआब बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको हिस्ट्री से लिंक करके बता दी। इसके अलावा इस नदी में एक डैम है जिसका नाम है आलामट्टी डैम और ये कर्नाटका में आता है, ठीक है। इसके बाद एक रिवर है इसकी सहायक नदी जिसका नाम है मूसी, एम लिखा मतलब मूसी। मूसी रिवर के बारे में फैक्ट ये है कि जो हैदराबाद शहर है वो मूसी रिवर के तट पे, ठीक है, मूसी रिवर के बैंक में आपका हैदराबाद शहर है, ठीक है। अगर आप कभी हैदराबाद जाने का मौका मिले तो अगर आप चार मीनार जाते हैं अफजलगंज से चार मीनार, ठीक है, बाजू में ही आपके सालार जंग म्यूज़ियम है जो कि भारत का एक माना हुआ म्यूज़ियम है। भारत के कुल ऐसे छः म्यूज़ियम है उसमें से एक सालार जंग म्यूज़ियम है, वो जस्ट मूसी रिवर के बाजू में है और उसके राइट हैंड साइड में आपका चार मीनार है, ठीक है, सालीवंडा के एरिया में। मैं हैदराबाद में रह चुका हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चार मीनार एकदम जस्ट बाजू में है और मूसी रिवर देखोगे तो एकदम नाले टाइप दिखता है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में आपको फैक्ट याद करना है कि ये आपके कृष्णा की सहायक नदी है और हैदराबाद सिटीज़ के तट पर है, ठीक है। इसके बाद है आपका नागार्जुन सागर डैम जो कि आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये फाइनली रिवर जाके गिर जाती है आपकी बे ऑफ बंगाल में। इतनी सारी चीज़ें आपको कृष्णा नदी के बारे में याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जो एक छोटी सी नदी आती है जिसका नाम है आपका कावेरी नदी, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता था, ठीक है। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछता है आपसे दक्षिण भारत की गंगा, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा, और एक पूछता है दक्षिण गंगा, ठीक है। अब दक्षिण भारत की गंगा मतलब ये इसका आंसर होगा आपका गोदावरी रिवर, क्योंकि वहां पे लेंथ को बेस बनाया गया, ठीक है, गोदावरी रिवर के लेंथ को कंपेयर किया गया है आपके गंगा रिवर से। लेकिन दक्षिण गंगा कावेरी को इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे पवित्रता को बेस बनाया गया है। साउथ इंडिया के लोग कावेरी नदी को उतना ही पवित्र मानते हैं जैसे नॉर्थ इंडिया के लोग गंगा को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण गंगा मतलब आपका कावेरी आंसर होगा, दक्षिण भारत की गंगा अगर बोले तो गोदावरी नदी का आंसर होगा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। जो कावेरी रिवर है आपका ब्रह्मागिरी के पहाड़ी से निकलती है कर्नाटका से और ये पहले यहाँ पे एक डैम बढ़ता है जिसका नाम है कर्नाटका में कृष्ण राज सागर डैम, ठीक है, कृष्ण राज सागर डैम आपके कर्नाटका में पड़ता है। उसके बाद एक डैम है आपका मेट्टूर डैम, वो आपके तमिलनाडु में पड़ता है। मेट्टूर डैम में आपका शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और ये भारत का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। और फिर फाइनली ये रिवर क्या होती है आपके पुदुचेरी के कराई काल से होते हुए आपका वेस्ट बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। पुदुचेरी के चार हिस्से हैं आपको पता होना चाहिए, माहे, कराईकाल, यानम और आपका पुदुचेरी, ठीक है। तो वो अलग अलग स्टेट पे पड़ते हैं ना, जैसे मेरे ख्याल से यानम आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कराईकाल आपके पुदुचेरी सॉरी तमिलनाडु में पड़ता है, माहे आपका केरला में पड़ता है और पुदुचेरी तो वैसे भी तमिलनाडु में पड़ता है। तो चार ऐसे हिस्से हैं इसके, याद रखिएगा इसको, ठीक है, कभी मैप में जाके एक बार देखिए, ठीक। तो बेसिकली कावेरी नदी जल विवाद बेसिकली है क्या, आप बोलोगे कि इसमें केरल कैसा पार्ट किया है, केरल में से ये नदी होके नहीं गुजरती, लेकिन कावेरी की कई सारी जो सहायक नदियां हैं वो केरल से होके जाती है, तो केरल भी इस विवाद में एक पार्टनर है, ठीक है। बेसिकली मुद्दा क्या है जानते हो, जब नॉर्मल या फिर सामान्य बारिश रहती है तो सब चीज़ सामान्य रहता है, ठीक है, लेकिन कभी मान लो जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो कर्नाटका क्या करता है, ये कृष्णराज सागर का डैम का गेट खोल देता है और इस साइड फ्लडिंग आ जाती है, ठीक है। और जो मेट्टूर डैम में एक्सेस फ्लडिंग के कारण एक्सेस पानी आने के कारण
यहाँ तो फ्लड रात की सिचुएशन रहती है और वो भी गेट खोल लेता है तो फिर पुडुचेरी बह जाना लगता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कम बारिश होती है तो कर्नाटक का क्या करता है, चालाकी से ज़्यादा पानी रोक लेता है और तमिलनाडु के लोगों को पानी नहीं मिल पाता। तो ये बेसिकली नदी जल विवाद है और इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में विस्तृत चर्चा करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसका हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है और जितने भी प्रकार के नदी जल विवाद है उससे जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद कौन कौन से हैं, जो कि हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कावेरी नदी जल विवाद और उससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों को जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नदी जल विवाद की स्थिति में हमारे देश के संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत आर्टिकल नंबर 262 है जो कि आपको अंतर्राज्यीय जल विवाद को निपटाने के लिए प्रावधान देता है। तो ये अनुच्छेद हमारी संसद को शक्ति देता है कि वो इस संबंध में एक कानून बना सकती है, ठीक है। तो संसद ने दो कानून बनाए इससे रिलेटेड, आपके नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ठीक है। और ये केंद्र सरकार को एक निर्देश करती है कि वो एक न्यायाधिकरण या फिर ट्रिब्यूनल की स्थापना कर सकता है, ठीक है। ध्यान देने योग्य बात यह है, न्यायाधिकरण मतलब क्या होता है कि एक टेम्प्ररी कोर्ट जो कि आदेश पारित करता है नदी जल विवाद से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें क्या है, बेसिकली इस न्यायाधिकरण द्वारा जो भी आदेश पारित किया जाएगा वो आपके सुप्रीम कोर्ट और दूसरे कोर्ट के मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज है कि अगर मान लीजिए आपके व्यक्तिगत हित प्रभावित होते हैं या फिर मूल अधिकार प्रभावित होते हैं या फिर इससे जुड़ा हुआ कोई विधिक अधिकार प्रभावित होता है आपका, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल दे सकता है, ठीक है। तो ये आपके ट्रिब्यूनल से रिलेटेड जो संवैधानिक प्रावधान थे वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बारे में अगर डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आपका लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 15 पढ़ो, ठीक है, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, मैंने वहीं से जानकारी निकाली है सब, ठीक। बेसिकली आप कावेरी नदी जल विवाद है क्या, कावेरी नदी जल विवाद आपके स्वतंत्रता से पहले का है और इसमें जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो वहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी, मैसूर मतलब कर्नाटका, मद्रास मतलब आपका तमिलनाडु आज का, 1892 में समझौता हुआ था, 1924 में भी समझौता हुआ था लेकिन समझौते का कोई परिणाम नहीं निकल पाया, कर्नाटका अपनी मनमानी करता है इससे रिलेटेड क्योंकि नदी वहीं से निकलती है ना, ठीक है। उसके बाद फाइनली 1972 में केंद्र सरकार ने जब आज़ादी के बाद, इसमें पहले दो पक्ष थे कर्नाटका और तमिलनाडु, लेकिन आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने बोला कि केरल और पुदुचेरी दो पार्टनर को इसमें और शामिल किया जाएगा। तो 1972 में एक कमेटी का गठन हुआ और 1976 में एक समझौता हुआ लेकिन ये समझौता कभी भी फॉलो नहीं किया जा सका, ठीक है। इसके बाद दो जून 1990 को आपके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेशित किया कि वो एक न्यायाधिकरण या फिर ट्रिब्यूनल की स्थापना करे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इस ट्रिब्यूनल ने आपका 2007 को ये गठित हुआ और उसने और इसने जो आदेश मतलब जो भी आपके रिसर्च वगैरह की होगी उसके आधार पर केंद्र सरकार ने 2013 में एक अपना वर्डिक्ट जारी किया कि मतलब इसके आदेश को उन्होंने प्रकाशित किया गजट में और उस पर ये था कि आपका कावेरी नदी के जो 770 टीएमसी फिट पानी है उसमें से तमिलनाडु को 419 फिट आपका 419 टीएमसी फिट, टीएमसी एक यूनिट होगी ना, कर्नाटका को 270 टीएमसी फिट, केरला को 30 टीएमसी फिट और पुदुचेरी को 7 टीएमसी फिट पानी देने की वकालत की गई लेकिन बाद में कर्नाटका को इससे भी संतुष्टि नहीं हुई और ना ही तो पुदुचेरी को सॉरी तमिलनाडु को इससे संतुष्टि हुई, ठीक है। तो तमिलनाडु ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में जब अर्जी लगाई थी तो उसका वर्डिक्ट आया 2018 को और सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका के इस 270 फीट को 284 फीट कर दिया, मतलब इसके पानी के लेवल को बढ़ा दिया और तमिलनाडु के पानी की हिस्सेदारी को घटा दिया, ठीक है। तो ये मामला अभी भी चल रहा है और ये ख़त्म नहीं हुआ है, जिसके इतने जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो वेरियस सोर्स से मैं आपको बता रहा हूँ और ये ऑथेंटिक गवर्नमेंट का सोर्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो नदी जल विवाद ऐसा मामला है जो कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि
ऑब्वियसली सब लोग को पानी चाहिए, पानी नेचुरल रिसोर्स है, और जिसको पानी मिलेगा उसकी क्या कहना चाहिए, उसकी पावर चलेगी, और वही है, वही हो रहा है कर्नाटका और तमिलनाडु में इस नदी जल विवाद को लेकर। ठीक है, तो अभी तक का वर्ड इतना ही है, इसके आगे कुछ होता है करंट में अगर आता है तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा या फिर मैं आपको अपडेट करा दूँगा। ठीक, इसके अलावा आप अगर चैप्टर नंबर 15 पढ़ेंगे इसका लक्ष्मीकांत का, तो इसमें कुछ कुछ न्यायाधिकरण दिए हुए हैं, और उसमें आपको बेसिकली याद क्या करना है कि नदी जल विवाद से रिलेटेड राज्य कौन से। ठीक है, जैसे कि कावेरी नदी जल विवाद, क्वेश्चन इस प्रकार का पूछा जाता है कि कावेरी नदी जल विवाद में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं, तो आपको चार राज्य का नाम याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार आपके कृष्णा नदी जल विवाद में आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये तीन पार्टनर है, ये सभी न्यायाधिकरण बन चुके हैं ना, आप बुक में देखेंगे आपको मिल जाएगा। गोदावरी नदी जल विवाद में आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा है। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। रावी एवं ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण, इसमें है आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसके बारे में तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, द्वितीय कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण, इसमें ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्य शामिल है। इसके अलावा महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण, इसमें गोवा, कर्नाटका एवं महाराष्ट्र शामिल है। ठीक है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपका जो कुछ कुछ राज्य मैं नोट्स निकाल के रखा हूँ उसमें से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड है। जैसे राज्यों के बीच में जो बहुत प्रमुख नदी जल विवाद है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ का ही, आपको जब छत्तीसगढ़ में मैं महानदी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच में विवाद चल रहा है, हालांकि इसमें अभी तक ट्राइब्यूनल का गठन नहीं किया गया है अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से। अभी जब मैं महानदी पढ़ाने के पहले एक बार और रिसर्च करूंगा तब मैं आपको बता दूंगा अगर इसमें गठित हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यमुना नदी जल विवाद है आपके हरियाणा, यूपी, राजस्थान और एमपी और दिल्ली के बीच, छत्तीसगढ़ कहाँ से आ गया, एमपी और दिल्ली के बीच में। ठीक है, नर्मदा नदी जल विवाद आपके गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान के बीच में। सतलुज यमुना लिंक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। गोदावरी नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, एमपी, बराक, आसाम और मणिपुर। अलियार एवं भियानी नदी जल विवाद आपका तमिलनाडु एवं केरला। तुंगभद्रा जल विवाद आपके एपी और कर्नाटका के बीच, एपी मतलब आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में। माही नदी जल विवाद गुजरात, राजस्थान, एमपी। कर्मनासा जल विवाद आपके यूपी एंड बिहार। ठीक है, इसके अलावा सोन नदी जल विवाद आपके बिहार, यूपी और एमपी। ठीक है, तो लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी नदी जल विवाद से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, और ये केंद्र राज्य संबंध के बीच में आता है ये टॉपिक। ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जरूर ध्यान रखिएगा, और इसमें क्या प्रावधान है वो भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको महानदी या फिर गोदावरी नदी या फिर कोई और रिवर के बारे में बता दूंगा, तो आपका पूरा रिवर अपवाद तंत्र ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल से एक से दो क्लास और लगेगी इसकी, और फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं आपको लगातार लेक्चर दे सकूँ। ठीक है, इसके अलावा एटलीस्ट वीडियो को उनको जरूर शेयर करिएगा जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के, या फिर वे मंडी निरीक्षक, व्यापम या फिर दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसे और हाँ, एक और चीज़, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी बनेगी तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें सीख सकेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।